पलबल में जहाँ दूसरे समाज के लोग अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन किन्नर समाज के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। समाज के दूसरे लोगों से मांग कर किन्नर समाज ने होटल में गरीब कन्याओं की शादी कराकर एक अलग ही पहचान कायम की है। शहर में किन्नर समाज की प्रधान कुमकुम ने परंपरा को कायम रखते हुए दूसरा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया है, जिसमें 5 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी की गई। इन कन्याओं को किन्नर समाज ने सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ जरूरत का सामान भी दिया। होडल शहर में किन्नर समाज ने एक अनूठी पहल कायम करते हुए किन्नर कुमकुम ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें पंडितों ने मंत्रोच्चार और हवन यज्ञ के बीच फेरे कराए। कच्चा ताला पर हुए पाणी ग्रहण संस्कार पर विवाह स्थल खुशियों और जयकारों के बीच गूंज उठा। शहनाई और ढोल नगाड़ों के बीच कुमकुम सहित उनकी शिष्य सिमरन, राधिका और सुंदर फागना और शादी में आई महिलाओं ने नृत्य कर हर्ष व्यक्त किया। इससे पहले सामूहिक बारात निकली और कुमकुम किन्नर ने सभी बेटियों के लिए 3 सोने चांदी के जेवर, बर्तन, बैंड, बिस्तर, वस्त्र, अलमारी, कूलर सहित गृहस्थी का जरूरी सामान दिया। इस मौके पर शहर के बुजुर्गों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। किन्नर कुमकुम ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वे अपने खर्च पर करती हैं, यानी किसी से इस बारे में आर्थिक सहयोग नहीं लेती हैं। अब तक 26 गरीब लड़कियों की शादी करा चुकी हैं। उन्होंने कहा, आने वाली देवोत्थान एकादशी पर 51 गरीब कन्याओं की शादी का समारोह आयोजन किया जाएगा। मैंने ये 5 जोड़ों की शादी की है और मैंने इन्हें 3 सोने की और 2 चांदी की चीज़ दी है और बाकी सब सामान दिए, जलमारी, कूलर, बेड, वाशिंग मशीन, गद्दे, संदूक, 101 बर्तन, मिक्सी, प्रेस वगैरह सब चीज़ दी। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि दान करो, कन्यादान, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों का दान करो। बेटियों के दान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मेरी शादी की थी और 5 जोड़ों की अब की है और मालक ने चाहा तो आगे देव नहीं दे 51 जोड़ों की शादी करूँ। ये मैं अपने जो मांग दिखाती हूँ उसमें कमाई में से जोड़ के ये कन्यादान करूँ।